हेलो फ्रेंड्स, आई एम कैलाश कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने जा रहा हूँ। हमारे सिखाने का तरीका बहुत ईजी, बहुत आसान है, जिससे आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसे आप ईजी गोइंग देख पाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, अबेकस होल्डिंग, पेंसिल होल्डिंग, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये पेंसिल होल्डिंग है और ये अबेकस होल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम अबेकस यूज़ करते हैं, सबसे पहले अबेकस को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे अबेकस क्लियर करेंगे, ओके, राइट, क्लियर। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका, मेरे पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम जब भी अबेकस पर वर्किंग करते हैं वो करते हैं यूनिट पॉइंट पर। यूनिट पॉइंट कौन सा होता है? हम चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, 1 2 3, थर्ड नंबर का पॉइंट, लेफ्ट से भी काम कर लेंगे, 1 2 3, थर्ड पॉइंट का जो आ रहा है वो ही हमारा यूनिट पॉइंट होता है। इसे सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं। फिर भी कन्फ्यूजन है तो हमारे बैक साइड में देखिएगा, ये होल दिख रहा है आपको, इसके बैक साइड में जो रोड है उसी को हम यूनिट रोड बोलते हैं, ठीक है। इसी रोड पर हमें जो कैलकुलेशन करनी है, क्लियर, ओके। देखिए, जब भी हम ऐड करेंगे 1 2 3 4, वो करेंगे थंब से, +1 by thumb, +2 by thumb, +3 by thumb, +4 by thumb। देखिए, आपने देखा भी, आपने 1 2 4 जो भी हमने ऐड किया किससे किया? थंब से। अब मुझे माइनस करना है, -1 by index, -2 by index, -3 by index, -4 by index। मीन समझ में आया? ऐड जब भी हम करेंगे किससे करेंगे? 1 2 4 थंब से, और माइनस जब भी करेंगे किससे करेंगे? इंडेक्स से। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, अब देखिए, 5 जब भी हम ऐड करेंगे किससे करेंगे? इंडेक्स से। माइनस जब भी करेंगे? इंडेक्स से। मींस 5 ऐड भी इंडेक्स से करेंगे और माइनस भी इंडेक्स से। अब मैं आपको, अभी जो मैंने फिंगर मूवमेंट सिखाया है आपको, अब मैं इसको ऐड, कुछ सम ऐड करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा सम्स को। देखिए, फर्स्ट सम है 2 2 -1, हमने 2 किया, +2 by thumb, अगेन 2, अब करना है मुझे -1 इंडेक्स से, आंसर इज 3। नेक्स्ट सम है 3, फिर 1, फिर -2, आंसर इज 2, हम नोट करेंगे 2। नेक्स्ट सम है 1 5 -1, दैट इज आंसर 5, ओके। नेक्स्ट सम है 1 5 and 2, आंसर इज 8, 5 6 7 8, आंसर इज 8, ओके। आई थिंक सो सबको क्लियर हो चुका है हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जो मैंने सिखाया है उसे कहते हैं हम डायरेक्ट एड एंड सब्ट्रैक्ट, क्लियर, ओके, थैंक यू।